15 क्वेश्चन नंबर 1 अ क्विक क्लोजिंग वॉल्व इज फिटेड ऑन। क्विक क्लोजिंग वॉल्व कहां फिट होता है? राइट आंसर इज सी, फ्यूल टैंक्स अबव डबल बॉटम टैंक्स। वो फ्यूल टैंक जो कि डबल बॉटम टैंक्स के ऊपर स्थित हैं वहां पर क्विक क्लोजिंग वॉल्व फिट होता है इन टैंक्स के आउटलेट में। यहां पे फिट होने का कारण ये है कि यदि पावर फेलियर हो जाता है, सक्शन पंप्स जो कि इन टैंक्स में से तेल खींच रहे हैं वो फेल हो जाते हैं, उसके बाद भी बाई ग्रेविटी इन टैंक से तेल बाहर आते रह सकता है, तो उस समय इन क्विक क्लोजिंग वॉल्व्स को रिमोटली बंद किया जा सकता है। रिमोट ऑपरेशन क्विक क्लोजिंग वॉल्व का संभव है हाइड्रोलिक सिस्टम से, न्यूमेटिक सिस्टम से और वायर से बांध कर भी इसको खींच कर ऑपरेट किया जा सकता है बंद करने के लिए। एमरजेंसी में क्विक क्लोजिंग वॉल्व का ऑपरेशन होता है फ्यूल टैंक्स का आउटलेट बंद करने के लिए। जो भी मशीनरी जहां पे कुछ घटना दुर्घटना हो गई है उसको फ्यूल से स्टार्व करने के लिए, यानी कि फ्यूल कट ऑफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, मैन होल डोर ऑन अ टैंक इज फिटेड फॉर। किसी भी टैंक में मैन होल डोर किस लिए फिट होता है? राइट आंसर इज ए, अलाउिंग एंट्री टू द टैंक व्हेन नीडेड। किसी भी टैंक में अगर एंट्री करनी है हमें कुछ मेंटेनेंस काम करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए या फिर कुछ इंस्पेक्शन करने के लिए या किसी और अन्य कार्य से, तो ये मैन होल डोर उसमें जाने का रास्ता दिखाता है, रास्ता बताता है, मार्ग प्रशस्त करता है। मैन होल डोर किसी भी टैंक में आपको दिखे, गोल सा या आयताकार नट बोल्ट से कसा होता है, तो आप समझ जाइए कि इस टैंक में आपकी एंट्री एकदम प्रतिबंधित है। यदि आपको इस टैंक के अंदर जाना है कुछ कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, तो आपको एक एंक्लोज स्पेस परमिट बनवाना पड़ेगा। एंक्लोज स्पेस परमिट बनाने के बाद ही आप टैंक में घुस सकते हैं। अपनी इच्छा से किसी भी टैंक में बिल्कुल नहीं जाएंगे या जाने का प्रयास भी नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्विक क्लोजिंग वॉल्व, एक क्विक क्लोजिंग वॉल्व के साथ क्या होता है नीचे दिए हुए ऑप्शन से? राइट आंसर है बी, कैन बी रिमोटली क्लोज इन एन इमरजेंसी। क्विक क्लोजिंग वॉल्व को इमरजेंसी सिचुएशन में दूर से ही रिमोटली बंद किया जा सकता है, जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एयर वेंट टू टैंक इज प्रोवाइडेड फॉर। किसी भी टैंक में एयर वेंट किस लिए दिया जाता है? टैंक के ऊपरी हिस्से में एयर वेंट होता है। राइट आंसर इज ए, प्रिवेंटिंग बिल्डअप ऑफ प्रेशर और वैक्यूम। टैंक के अंदर में किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर या वैक्यूम ना पैदा हो जाए, उससे उसके लिए ये एयर वेंट की व्यवस्था की गई है। जैसे कि कोई पानी का टैंक है और हमने पंप से पानी उस टैंक में भरना शुरू कर दिया, यदि ऊपर में एयर वेंट नहीं होगा या फिर कोई और ओपनिंग नहीं होगी टैंक में, तो पानी भरता जाएगा और उसमें जो फंसी हुई गैस है या हवा है वो कंप्रेस होती जाएगी, प्रेशराइज होती जाएगी, दबाव टैंक का बढ़ता जाएगा, तो इस दबाव से टैंक को हो सकता है कुछ नुकसान पहुँच जाए। इसीलिए ऊपर का जो एयर वेंट दिया होता है उसमें से जो अतिरिक्त दबाव वाली हवा है वो निकल के बाहर जाती है। उसी तरह से यदि उस टैंक से पानी निकाला जाए तो वैक्यूम बनने की संभावना होती है, तो जितनी जगह खाली होती है पानी निकालने से उतना एयर वेंट के थ्रू हवा आ जाता है टैंक के अंदर और दबाव एटमॉस्फेरिक ही बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, साउंडिंग पाइप्स ऑन टैंक्स आर फिटेड फॉर फाइंडिंग। किसी भी टैंक में साउंडिंग पाइप क्या पता करने के लिए लगाया जाता है? राइट आंसर इज ए, लेवल ऑफ लिक्विड इन द टैंक। किसी भी टैंक के अंदर में कितना लिक्विड है, कितना द्रव्य भरा हुआ है, उसका पता करने के लिए साउंडिंग पाइप लगाया जाता है। जैसा कि पिछले पेपर्स में समझाया जा चुका है, साउंडिंग पाइप से हम लोग साउंडिंग रॉड या साउंडिंग टेप की मदद से कितना द्रव्य है, लिक्विड का क्या लेवल है, पता लगाते हैं।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्विक क्लोजिंग वॉल्व ऑपरेशन इज कैरिड आउट फ्रॉम, क्विक क्लोजिंग वॉल्व ऑपरेशन कहाँ से कैरी आउट किया जाता है, यानी कि कहाँ से हम जो है रिमोटली क्विक क्लोजिंग वॉल्व्स को बंद कर सकते हैं। राइट आंसर इज ए, अ रिमोट लोकेशन आउटसाइड इंजन रूम, इंजन रूम के बाहर एक रिमोट लोकेशन यानी कि दूर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे कि हम जहाँ से कि हम क्विक क्लोजिंग वॉल्व का ऑपरेशन कर सकते हैं। अक्सर इसको फायर स्टेशन में या फिर इमरजेंसी स्टेशन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जितने क्विक क्लोजिंग वॉल्व्स हैं उनका ऑपरेशन के लिए लीवर होता है, चाहे वो बटन के शेप में हो या चाहे लीवर के शेप में हो, यहाँ से एक साथ या फिर बारी बारी भी अलग अलग टैंक्स के रिमोटली ऑपरेटेड क्विक क्लोजिंग वॉल्व को ऑपरेट करने का प्रोविज़न दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, बैलेस्ट टैंक ऑन ए शिप आर फिल्ड अप विद, जहाज का बैलेस्ट टैंक किस चीज़ से भरा जाता है। राइट आंसर इज बी, सी वाटर। जनरली जहाज का बैलेस्ट टैंक जो होता है सी वाटर से भरा जाता है। कार्गो जब नहीं रहता है तो हम लोग जहाज के बैलेस्ट टैंक्स में पानी भर लेते हैं ताकि जहाज थोड़ा स्थिर रहे, वरना जहाज खाली होके हो सकता है शिप पानी के काफ़ी ऊपर आ जाए और प्रोपेलर भी पानी के बाहर निकल आए, जिससे कि जहाज की एफिशिएंसी पे काफ़ी फर्क पड़ जाता है और जहाज स्टेबल भी नहीं रहता है, डोलता रहता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर कोई रिवर पोर्ट है जहाँ पे कि हमने डिस्चार्जिंग की है, तब उस समय बैलास्ट टैंक्स में नदी का हो सकता है स्वच्छ जल भी हमको लेना पड़े, जिसको कि बाद में हम खुले समंदर में आके बैलास्ट एक्सचेंज करके सी वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, सेटलिंग टैंक्स ऑन शिप्स आर प्रोवाइडेड फॉर, जहाज में सेटलिंग टैंक किस लिए बनाया जाता है, किस लिए दिया जाता है। राइट आंसर इज ए, अलाउिंग वाटर एंड स्लश टू सेपरेट बिफोर ऑयल सेपरेटर। जैसा कि नाम से समझ में आता है, सेटलिंग टैंक यानी सेटल हो जाना यानी स्थिर हो जाना। जैसे हम कीचड़ मिला हुआ पानी को किसी बर्तन में डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं स्थिर करके, तो कीचड़ नीचे जम जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। उसी तरह से जो फ्यूल ऑयल है हमारा, जिसको कि हमको जलाना है जनरेटर में, मेन इंजन में या बॉयलर में, उसको सेटलिंग टैंक में डाल के हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि पानी जो तेल से भारी होता है नीचे सेटल हो जाता है और भी कुछ कचरा हौसला जो वो भी सेटल हो जाता है नीचे। फिर उसके बाद वहाँ से हम तेल को निकालते हैं, ऑयल सेपरेटर में डालते हैं यानी प्यूरीफायर्स में डालते हैं, तो प्यूरीफायर का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद वो प्यूरीफायर से निकला हुआ तेल सर्विस टैंक में जाके जमा होता है और सर्विस टैंक से हम लोग उसका उपयोग के लिए निकालते हैं, जब मेन इंजन में जलाने के लिए, चाहे डीजल इंजन में या फिर बॉयलर में जलाने के लिए, सर्विस टैंक से आउटलेट हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाइल बंकरिंग इज गोइंग ऑन, व्हाट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मॉनिटर। जहाज में जब बंकरिंग ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि हम लोग ईंधन के लिए फ्यूल ले रहे हैं, फ्यूल ऑयल ले रहे हैं, डीजल ऑयल ले रहे हैं या कुछ भी फ्यूल ऑयल ले रहे हैं, तो उस समय सबसे आवश्यक क्या चीज़ है जिस पर कि हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। राइट आंसर इज सी, ऑयल साउंडिंग इन टैंक बिंग फिल्ड। जो भी टैंक जिसमें हम लोग तेल ले रहे हैं उसकी साउंडिंग हम लोग को बराबर लेती रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी तेल वेंट के ज़रिए बाहर भी आ सकता है। बाई चांस हमने ठीक से मॉनिटरिंग नहीं की, हमने उसका लेवल ठीक से देखा नहीं और तेल भरता गया भरता गया भरता गया, और लापरवाह लोगों की वजह से और कोई टैंक नहीं खुला तो उसी टैंक में फिर ओवरफिल हो जाएगा और उस वेंट से तेल बाहर आ सकता है। तो जैसे ही टॉप अप होने को होता है, थोड़ा टैंक भरने को होता है, तो हम लोग दूसरे टैंक्स का वॉल्व खोल के उसमें बंकरिंग लेना शुरू कर देते हैं और इसका वॉल्व जिसमें पहले भर रहा था धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं, ताकि टैंक ओवरफ्लो ना हो। क्वेश्चन नंबर 10, क्विक क्लोजिंग वॉल्व कैन बी ऑपरेटेड, क्विक क्लोजिंग वॉल्व ऑपरेट कर सकते हैं कैसे। राइट आंसर हेयर इज ऑल ऑफ द अबव, और यू कैन से ऑल ऑफ द बिलो, ऑल ऑफ द अदर ऑप्शंस आर करेक्ट, जो बाकी ऑप्शन सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन बी, लोकली यस, हम पास से उसको खोल और बंद कर सकते हैं,
आंसर सी इज न्यूमेटिकली, यानी कि हवा का जो सिस्टम होता है, न्यूमेटिक सिस्टम अगर फिट है क्विक क्लोजिंग वॉल्व में, तो हम न्यूमेटिक सिस्टम की मदद से उसको बंद कर सकते हैं। थर्ड आंसर डी है, रिमोटली। यस, रिमोट ऑपरेशन, जैसा कि थोड़ी देर पहले अभी बताया हमने, क्विक क्लोजिंग वॉल्व का पर्पज़ ही है कि उसको रिमोटली यानी कि दूर से भी इमरजेंसी कंडीशन में बंद किया जा सके। सो ऑल द आंसर्स बी सी डी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ईच टैंक इज रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट द फॉलोइंग। कोई भी टैंक जहाज का होगा उसमें कम से कम नीचे जो दिया हुआ जो चीज़ है वो होनी चाहिए, कौन सी चीज है? एंड राइट आंसर इज ए, अगेन ए, ऑल ऑफ द अबव, और ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। आउटलेट लाइन, बिल्कुल। आउटलेट लाइन अगर नहीं होगा तो हम उस टैंक में से द्रव कैसे निकालेंगे बाहर? बाहर निकालने के लिए, लिक्विड को निकालने के लिए आउटलेट लाइन का होना आवश्यक है। सी एयर वेंट, जैसा कि बताया, वैक्यूम बनने और प्रेशराइज होने से बचाने के लिए एयर वेंट की आवश्यकता होती है। डी साउंडिंग पाइप, बिल्कुल होना चाहिए साउंडिंग पाइप। साउंडिंग पाइप की मदद से टैंक के अंदर में कितना लेवल है लिक्विड का उसका हम पता लगा सकते हैं। ई इज फिलिंग कनेक्शन। फिलिंग कनेक्शन नहीं रहेगा तो उस टैंक में हम लोग तेल या द्रव या कुछ भी कैसे डालेंगे? तो उस टैंक को भरने के लिए हमें फिलिंग कनेक्शन होना चाहिए। तो सारे आंसर सही हैं, ये सब चीज़ें टैंक में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, स्टोरेज टैंक इन द इंजन रूम विल बी कॉल्ड एज व्हाट इफ द टैंक कैपेसिटी इज इन बिटवीन 2 to 50 टन्स। इंजन रूम के अंदर में यदि कोई स्टोरेज टैंक है जिसकी कैपेसिटी 2 टन से 50 टन के बीच में है तो उसको क्या करेंगे? राइट आंसर इज डी, स्मॉल टैंक। 2 से 50 टन की कैपेसिटी का जो टैंक अगर इंजन रूम के अंदर में है, कोई स्टोरेज टैंक है, उसको हम कहेंगे कि वो छोटा टैंक है। नॉर्मली जो टैंक्स होते हैं फ्यूल के, फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, वो बड़े होते हैं। और इंजन रूम में अगर 2 से 50 टन के बीच का टैंक है तो उसको हम कहेंगे कि ये टैंक छोटा है, दिस इज़ अ स्मॉल टैंक।